तो अब तक हमने देखा कि यस इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन स्टूडेंट्स और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो लर्निंग को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब है टीचर को अक्नोलेज करना है कि हाँ सारे बच्चे एक जैसे नहीं है एक एक बच्चा जो है वो अलग है एक दूसरे से गे? और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस कर पाए अब देखते हैं कि जो एक्चुअल स्टेप्स है जो प्रोसेस है जिन्हें यूज़ किया जाता है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है अब जो एक्चुअल स्टेप्स है वो या तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे चलते हैं या फिर इक्विटी के प्रिंसिपल पे चलते हैं अब ये इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है वेल well, इक्वालिटी का मतलब है आप सारे बच्चों को एक ही तरह के रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और इक्विटी का मतलब है कि आप ये रिकोगनाइज़ कर रहे हो कि हर एक बच्चे का बैकग्राउंड अलग है उनके सरकमस्टेंसेस अलग है तो हर एक बच्चे को आप जितना चाहिए उतना रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज देते हो ताकि वो इक्वल आउटकम तक पहुंच सके जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो कि इक्वालिटी जो है वो रिसोर्स फोकस्ड है यानी कि आप सारे बच्चों को एक ही तरह के रिसोर्सेज दे रहे हो एक ही तरह के अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो लेकिन बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है राइट इसके वजह से इवन दो आप एक ही तरह के अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज उन्हें दे रहे हो वो रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच पा रहे राइट सिर्फ एक बच्चा पहुँच पा रहा है रिजल्ट तक बाकी दो बच्चे छूट गए हैं पीछे लेकिन इक्विटी जो है वो ये मान के चलता है कि हर एक बच्चे के बच्चे में एक डिफरेंस होता है इंडिविजुअल डिफरेंस तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो बच्चों को वो उनको एडजस्ट करते हो ताकि हर एक बच्चे को वही रिजल्ट मिले राइट right? तो इसका मतलब है इक्वालिटी जो है वो रिसोर्स फोकस्ड है और इक्विटी जो है वो रिजल्ट फोकस्ड है तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करने में टीचर्स का क्या रोल होता है बिल well, मैं ये सारे पॉइंट्स को इन डिटेल यहाँ पे कवर नहीं करूँगा आपको वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्रिटी मच कॉमन सेंस पे बेस्ड है जैसे कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि टीचर को अक्नॉलेज करना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए फॉर दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्योंकि अगर आप अक्नोलेज नहीं करोगे एक्सेप्ट नहीं करोगे कि प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तो वो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद में दूसरे पॉइंट्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं जैसे कि करिकुलम जो है वो फ्लेक्सीबल होना चाहिए और जो कोर्सेस और को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी सूटेबली डिज़ाइन किया जाना चाहिए इन सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए और जो असेसमेंट टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं वो भी इन डिफरेंसेस को कंसिडर करना चाहिए और जहाँ पे भी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो इंटरवेंशंस जहाँ पे भी ज़रूरत है वो होने चाहिए तो द मेन रीज़न क्योंकि मैं यहाँ पे इनको डिटेल में नहीं कवर करूँगा वो ये है कि आगे अगर आप सिलेबस देखते हो तो और कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पर हम ये सारे पॉइंट्स को इन डिटेल कवर करेंगे जैसे कि आगे कुछ चैप्टर्स है जिसमें हम देखेंगे कि एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव और एक चैप्टर में हम कवर करेंगे एड्रेसिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज और इंपायरमेंट यानी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन और एड्रेसिंग टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन तो ये सारे पॉइंट्स हम आगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट आने वाले चैप्टर्स में हम इन डिटेल कवर करेंगे तो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ओर